हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनेजर और आप देख रहे हैं ऑल ऑनलाइन मैनेजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो जन आधार में नाम है वो ई मित्र के माध्यम से कैसे ऐड करते हैं, न्यू नाम कैसे ऐड करते हैं, वो भी बिना आधार कार्ड के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने लैपटॉप या पीसी या फिर मोबाइल में कोई से भी सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पे अपने को इमित्र ओपन कर लेनी। इमित्र ओपन करने के बाद में यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस में क्लिक कर देना है। यूटिलिटी टाइप सर्विस में क्लिक करने के बाद में आपको सर्च बार पे सर्च करना है जन। जन टाइप करने के बाद में यहाँ पे स्पेस स्पेस लगा देना है। स्पेस लगाने के बाद में यहाँ पे चौथे पाँचे नंबर पे आ रहा है जन आधार इनरोलमेंट सीडिंग मनी। चौथे पांचवे नंबर पे आ रहा है जन आधार इनरोलमेंट सीडिंग मनी विड्रॉल, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर दिया है, एक मैसेज आएगा उसमें ओके कर देना है आप सभी को। तो यहाँ पे अपन को सिंपली यहाँ पे इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं इनरोलमेंट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अपने को सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड मेंबर का, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपसे रसीद संख्या, जन आधार संख्या और आधार संख्या, इन इनमें से कोई भी एक आईडी आपको यहाँ पे दर्ज करनी है जिससे आपका जन आधार लॉगिन हो जाए। तो मैं आधार नंबर ऐड कर देता हूँ। आधार नंबर ऐड कर दिया है मैंने। ऐड करने के बाद में यहाँ पे खोजे पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दिया है मैंने। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको ओके कर देना है। ओके कर दिया है। ओके करने के बाद में यहाँ पे अपने को जिसमें भी केवाईसी करवाना है उस सदस्य पे क्लिक करके, तो या तो आप ओटीपी से ई केवाईसी करवा दो या फिर फिंगरप्रिंट से। तो मैं फिंगरप्रिंट से केवाईसी करवा देता हूँ। तो ये मैंने फिंगर लगा दिया है, तो सिंपली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो जन आधार है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो अपने को सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो नीचे स्क्रॉल कर दिया है मैंने। अब अपने को सबसे पहले अपने को यहाँ पे फोटो चूज करना है, फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये मैंने फोटो ले लिया और अपलोड कर देते हैं। अपलोड कर दिया है। अब हमारे पास आधार नंबर नहीं है तो आधार को बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। तो अपने को सबसे पहले अपना नाम ऐड कर देना है। तो मैं नाम ऐड कर देता हूँ। नाम ऐड कर दिया, सारी डिटेल ऐड कर देता हूँ, फिर आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है, अब आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो आधार कार्ड में नाम नाम था वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे हिंदी में नाम ऐड कर दिया है। यहाँ पे परिवार के मुखिया से संबंध, तो पुत्र पुत्री आ चुकी है। और यहाँ पे पिता का नाम आ गया, और यहाँ पे हिंदी में पिता का नाम आ गया। यहाँ पे माता का नाम, और यहाँ पे हिंदी में माता का नाम, और यहाँ पे दिखा रहा है क्या सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नो कर देना है, अगर हो तो यस कर देना है। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको परिवार की श्रेणी सिलेक्ट करना है। तो मैंने एसटी सिलेक्ट कर लिया। एसटी के अंदर जाति सिलेक्ट कर लिया मीना, जो नौ नंबर पे है। अब आपको वैवाहिक स्थिति करनी है, तो वैवाहिक स्थिति यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और शिक्षा का स्तर, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे व्यवसाय आ चुकी है, तो व्यवसाय सिलेक्ट कर लिया है मैंने। और यहाँ पे वास्तविक वार्षिक आय जो 00 सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे जो सिंपली यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो सारी डिटेल फाइनल कर दी है मैंने। अब सिंपली यहाँ पे सदस्य जोड़ों पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक कर दिया है मैंने। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपन ने आधार नंबर
नहीं लगाया है तो आधार नंबर नहीं आया है, यहाँ पे नाम आ चुका है और यहाँ पे पिता का नाम आ गया है, यहाँ पे मम्मी का नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे परिवार के मुखिया से संबंध आ चुका है जो पोती, और विवाहित स्थिति यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्या आपका परिवार पूरा हो चुका है तो हाँ पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो मैं क्लिक कर हाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे सेव करे पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, क्या आप फाइनल सेव करना चाहते हैं तो ओके कर देना है। तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में इस प्रकार का कुछ मैसेज आ जाएगा तो ओके कर देना, आपको KYC करवाना है। तो ओके कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट और ये इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों दस्तावेज यहाँ पे सिलेक्ट करके दस्तावेज अपलोड करे पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन और खुला है, क्या मुखिया सहित सभी सदस्यों के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं तो हाँ कर देना है। हाँ करने के बाद में जनरेट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सभी सदस्यों की फोटो और पूरी डिटेल आ चुकी है इस प्रकार से, और यहाँ पे दिवेंश मीणा का नाम आ चुका है। तो इस प्रकार से आप भी आसानी से अपने जनाधार में बिना आधार के नाम ऐड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।